सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, हम लोग अब पार्ट फिफ्थ की ओर चलेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन में। तो हमने पार्ट फोर्थ में क्या पढ़ा था कि जो इंडियन ओशन है उसके जो इंडिया है उसमें इधर ईस्ट की तरफ तो नीचे बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। ये हमने इतना पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे जो आप लोगों के बुक में टॉपिक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, पेज नंबर 2 पे ही है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो उसमें ये चीज़ है, ये अच्छा एक चीज़ जो मैं इसमें इंडिया एंड द वर्ल्ड में लिखाऊंगा समझाऊंगा, वही आपका पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, वाई। ये उसका आंसर भी है जो अब हम इंडिया एंड द वर्ल्ड में लिखेंगे और समझेंगे ना, ये पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है। तो आप लोग इसको मार्क भी कर सकते हैं वहां जब उसके आंसर्स करेंगे उनके, तो यही चीज़ आपको वहां भी लिखनी है। ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड आप लोग हेडिंग डालेंगे, आप समझेंगे। देखिए इंडिया का जो इंडियन ओशन है या इंडिया की जो लोकेशन है जहां वो वर्ल्ड में है, आप लोग पेज नंबर 1 पे आ जाइए, मैप पे देखिए, इंडिया दिख रहा है येलो कलर में, एशिया में ही है ना। तो वो जो इसकी सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है इसकी लोकेशन की वजह से, तो देखिए उसका कारण ये है जो हम समझेंगे अब एक एक लाइन करके। सबसे पहली बात तो इंडियन ओशन है नीचे, इंडियन ओशन इंडिया को आप देखिए मैप देखते रहिए है ना, अफ्रीका से जोड़ रहा है। ठीक है, अफ्रीका से व्यापार आसान है, ट्रेड आसान है। इधर यूरोप है, वेस्ट में यूरोप है, ऊपर वेस्ट एशिया है, एशिया में ही है इंडिया, तो इसलिए वेस्ट एशिया ऊपर है। इंडियन ओशन इतना वास्ट ओशन है। अच्छा एक बात है, ये इसका नाम इंडियन ओशन इसलिए है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। एकमात्र ओशन है इसका नाम किसी कंट्री के ऊपर है, तो इसलिए इंडियन ओशन है क्योंकि इंडिया से व्यापार बहुत होता है यहाँ से, है ना, दूसरी कंट्री से जुड़ाव है इंडिया का इससे, इसलिए इंडियन ओशन। ठीक है, इधर अफ्रीका है तो इससे भी इंडियन ओशन से ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाती है कि ट्रेड की वजह से, व्यापार की वजह से। क्योंकि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जो व्यापार होता है ना दो देशों के बीच में, सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका पता क्या है, सी से ट्रेड करना। समुद्र में जहाज दौड़ते हैं ना, वो सबसे आसान तरीका होता है और सबसे सस्ता तरीका होता है। लेकिन प्रॉब्लम किन देशों का आती है, जो लैंड लॉक्ड होते हैं, लैंड लॉक्ड मतलब कि चारों तरफ जमीन से घिरे हुए होते हैं, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है। और जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए उनके साथ भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो लैंड वाला व्यापार नहीं कर पाते जो जमीनी होता है। इंडिया के साथ क्यों इंडिया इंपॉर्टेंस रखता है अपनी लोकेशन की वजह से, उसका कारण ये है कि ऊपर तो ये पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान से लैंड से जुड़ा हुआ है, जिसको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, और नीचे अफ्रीका यूरोप वगैरह से ये सी से जुड़ा हुआ है। तो इसको दोनों महत्व हैं, है ना, ये चाहे किस इंडिया चाहे तो किसी से भी व्यापार कर सकता है, सी के थ्रू भी और लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी। तो इसलिए इंडिया की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक मानी जाती है। यही क्वेश्चन है पूछा हुआ है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो इंडिया एंड द वर्ल्ड में आप लोग लिखेंगे द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, है ना, वेस्ट में यूरोप। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स TRA। वैसे अगर आपका बुक है तो पेज नंबर 2 में इंडिया एंड द वर्ल्ड की थर्ड लाइन पे हैं हम लोग, है ना, और लिखना सबको ही है, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ बात, द ट्रांस TRANS ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स कॉमा विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, और ईस्ट एशिया की कंट्री मिल रही है ना, सॉरी मैंने वेस्ट लिख दिया, ये ईस्ट आएगा। आप लोगों को ये बनाना नहीं है तो मैंने आप लोगों की बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, आप लोगों को लिखना ही है बस, विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया कॉमा प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, स्ट्रेटेजिक STRATEGIC LOCATION लोकेशन टू इंडिया। बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन दे रखी इंडिया को, देखो इधर यूरोप इधर एशिया, बीच में है इंडिया, हालांकि इंडिया एशिया का पार्ट है लेकिन एशिया की दूसरी कंट्रीज और यूरोप के बिल्कुल बीच में है, तो दोनों से व्यापार आसान है, ट्रेड आसान है। सबसे बड़ी जितनी बड़ी कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज हैं, इन दोनों ही कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं, यूरोप और एशिया, मतलब यूरोप और एशिया मान लीजिए 60-70% कवर कर लेता है वर्ल्ड का, एशिया और यूरोप है ना बहुत बड़े कॉन्टिनेंट है दोनों। ठीक है, तो और वो इंडिया उनके बीच में है तो व्यापार आसान है, सेंट्रल लोकेशन है इंडिया के पास, बिल्कुल सेंटर में, किससे, वेस्ट में यूरोप, ईस्ट में ईस्ट एशिया से। ठीक है, ये लाइन हमने लिखी।
फिर लिखना है अगला, द डेक्कन पेनिनसुला, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। द डेक्कन पेनिनसुला, डी ई डबल सी ए एन पी ई एन आई एन एस यू एल ए पेनिनसुला प्रोट्रूड्स, पी आर ओ टी आर यू डी ई एस, प्रोट्रूड्स मतलब कि, अच्छा डेक्कन पेनिनसुला ये ठीक है जो आपका ये वाला महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, तमिलनाडु, ये सब किसमें, पेनिनसुला में आता है, डेक्कन पेनिनसुला में। पेनिनसुला मतलब जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पेनिनसुला किसको बोलते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर से घिरा हुआ है, इधर बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, और नीचे इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, और ऊपर लैंड है। जो चारों तरफ से पानी से घिरा उसको आइलैंड बोलते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा उसे पेनिनसुला बोलते हैं, इसलिए डेक्कन पेनिनसुला है। अब डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स मतलब कि कहां पे अपनी राह निकाल रहा है, इंडियन ओशन में। डेक्कन पेनिनसुला के बिल्कुल नीचे क्या है, इंडियन ओशन है ठीक है। द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इंडियन ओशन कॉमा दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया, दस हेल्पिंग टी एच यू एस, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश ई एस टी ए बी एल आई एस एच क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया कॉमा अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। ओके लिख लीजिए एक बार, अपन को वापस समझेंगे। देखिए मैं बात बोल देता हूँ, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया कॉमा अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। देखिए ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, पता होगी बात, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब आप कंट्रीज के नाम सुनिए और पेज नंबर वन के मैप को देखते रहिए। पहला है, देखिए पहला है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप। वेस्ट एशिया यहां है ठीक है, अफ्रीका यहां है और यूरोप यहां है, तीनों वेस्ट में है। तो वेस्टर्न कोस्ट से तो वो किससे घिरा हुआ है, वेस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका, तो यहां से व्यापार आसान हो रहा है, इनसे रिलेशन अच्छे हैं। दूसरा ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहां किससे घिरा हुआ है, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से। ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट यानी कि ये वाला पार्ट होता है, तो यहां पे जो देखिए, अब यहां पे मैं यहां नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन आप देखिए एशिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट है, यानी कि इंडिया जो ये येलो येलोइश कलर में इंडिया दिखा रहा है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट, तो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से तो ईस्ट में, और वेस्ट में कौन कौन से हैं, वेस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इनसे जुड़ा हुआ है। तो हो गई ना, कितने सारे देशों से या कितने सारे कॉन्टिनेंट की कंट्रीज से इंडिया इस्टेब्लिश कर सकता है, अपने ट्रेड बना सकता है, अपने व्यापार सुधार सकता है, अपने रिलेशन सुधार सकता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे जुड़ा हुआ है इंडियन ओशन के थ्रू, है ना, इंडियन ओशन के थ्रू सबसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पानी पानी है ठीक है, इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन सी, बे बंगाल, तो ये चीज है ठीक है। फिर इसमें लिखना है, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, कोस्ट लाइन सी ओ एस टी एल ए सी ओ ए एस टी एल आई एन ई। इंडिया की जितनी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन से लगती है, उसी उतनी किसी भी कंट्री की नहीं लगती, इसी वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है ठीक है। और यही मैंने बताया था, ये जो आपने नोट्स के तौर पे इंडिया एंड द वर्ल्ड में लिखा ना, यही आपका आंसर नंबर फोर्थ भी है, पेज नंबर सिक्स पे ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है, है ना, उसके आपको कारण लिखने हैं क्यों। वेस्ट में तो वेस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, और ईस्ट में ईस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है। नीचे इंडियन ओशन है जो पूरा वाइड है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन के साथ लगती है, है ना, और बस वही हमने इस चीज़ लिखी थी ठीक है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन लगती है, इसलिए ओशन का नाम इंडियन ओशन भी रखा गया है, हालांकि ये लिखना नहीं है ठीक है। इसके बाद जो ये ना, इंडिया कॉन्टेक्ट विद वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, जो पेज नंबर फोर्थ पे है, ये इतना काम की चीज़ें नहीं है हालांकि, लेकिन यूँ है कि ठीक है, इतना काम का नहीं है, इसको अपन स्किप भी कर सकते हैं, उपनिषद रामायण वगैरह। अब हम इंडियाज नेबर पे आएंगे, मतलब वो तो इतना बताया गया कि ये जो रिलेशन है सदियों चले आ रहे हैं, लेकिन अब करते करते ये डेवलप होते जा रहे हैं। पहले सिर्फ व्यापार लैंड से हो रहा था, अब धीरे धीरे बढ़ के लैंड से भी हो रहा है, सी से भी हो रहा है, और इंडिया की जो लोकेशन है वो उसको कितनी अच्छी साबित हो रही है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो आपको जो आंसर है उसमें उतना ही लिखना है जितना मैंने लिखा है ठीक है। फिर हम इंडियाज नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के अब लैंड नेबर्स कौन से ऊपर। ओके थैंक यू।